बाबू, तमाम आप लोगों ने हमारी आवाज में बिरहा के रूप में तमाम कान सुन लन। पेपर पत्रिका टेलीविजन से जो न्यूज आता था आप लोगों के बीच में हम गा करके भेजा करते थे। आप लोगों ने इतना दुलार प्यार दिया। ओम प्रकाश यादव, इस चीज के लिए आजीवन आभारी आप लोगों का रहेगा और दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता है। एक और कहानी प्रकाश में आई है, आई घमंड ना बा, लेकिन अगर मिजाज से अपनी बिरहा का आप लोगों सुनिहन तई घमंड ना बा, लेकिन दावा बा कि जरूर आंख से आंसू आवे न आवे, इंसानियत नाम का चीज सीने के अंदर होगा, कलेजा पसीज जाएगा। सोचने पर मजबूर होंगे कि आज हमारा हिंदुस्तान जो सोने का चिड़िया कहा जाता था वो कहाँ चला गया है। चार लाइन कवि ने भूमिका दिया है क्या, किरोती सी शक्कर शहीदी शहादत, रोती सी शक्कर शहीदी शहादत, आज मेरा वतन अब कहाँ जा रहा है, बागवा बाग में आग हाथों पे लेकर जलाते चमन अब नजर आ रहा है, जब कसौटी पर कसकर जमाने को देखा मिल गया गर्त में कुछ भी बाकी नहीं है, तेजन सिंह यादव घिनौनी नियत में जरा भी आजादी की झांकी नहीं है। तर्जबा का तर्ज का लाइन बा मास्टर, बड़ी पुरान तर्ज लगा दी हलो कवि जी कि बसी की, लेकिन आज भी एकर कोनो जवाब ना बा, बसी की और दुनिया है, बसी की और दुनिया है इसी संसार के नीचे, जियो बेटा जियो, तो बसी के और दुनिया है इसी संसार के नीचे, इसी संसार के नीचे पड़ गया सतियों का झूला, पड़ गया सतियों का झूला कदम के डार के नीचे। तेजन कवि जी बड़ा सुंदर भाव दिहलन है का, कि बढ़ा दे क्या पे की शोभा, बढ़ा दे क्या पे की शोभा, कहानी हो तो ऐसी हो, बचा ले देश की गरिमा, बचा ले देश की गरिमा, जवानी हो तो ऐसी हो। सही है बेटा, ए भैया आ हमें से बात का शुरुआत दिहल गल, और नजम के लाइन में कवि जी लिखलन है का, सत्य हिंद
अहिंसा तो गांधी का हथियार रहा, उड़ाया गोली से वो नाथुराम गद्दार रहा। रामदेव प्यारे हुए जग में योग शक्ति से, झुकी सरकार भी या ना कि देश भक्ति से। हम बताई ला कि बिरहा का मूल चीज कहानी होला। हमार बिरहा एकदम जिसे शीशा में सूरत लौकेला, एकदम साफ साफ सबके समझ में चली आई है। बिरहा का कहानी हमें से शुरू हो गई। केकर कहानी बा, कैसन कहानी बा, कहाँ का कहानी बा, कवि जी भाव दिहलन है का। शेरमन इंदर सिंह बैरी से बिरताई में, शेरमन इंदर सिंह पैरी से बिरताई में, मेडल पा गया वो कारगिल की लड़ाई में। एक दिन छुट्टी लेकर घर पे अपने आया है, एक दिन छुट्टी लेकर घर पे अपने आया है, मंजू कौर संग में गौरव जमाया है। मनिंदर सिंह ध्यान देंगे, फौजी जवान था जो कि कारगिल की लड़ाई में मेडल जीत करके आया था। छुट्टी लेकर के घर पर आया, ये कहानी प्रकाश में आई है। छुट्टी लेकर घर पर आया और उसकी पत्नी का नाम था मंजू कौर, संग में एकमात्र 2 बरस का बेटा था। घर पर आकर मंजू से कहा कि मंजू ऐसा करते हैं कि जालियान वाले बाग में बैसाखी मेला लगा है, चलते हैं घूमने के लिए। बड़ी खुश हुई मंजू कौर उसकी पत्नी, अपने 2 बरस के बेटा जिसका नाम ओ पत्रिका में सिंटू प्यार से लोग कहा करते थे, तो बताया गया सिंटू प्यार से लोग कहा करते थे, नाम जो भी हो लेकिन सिंटू सिंटू प्यार से कहा करते थे 2 बरस के बेटा को। और 2 बरस के बेटा सिंटू को लेती है और पति पत्नी बेटा तीनों चल देते हैं जालियान वाला बाग में बैसाखी मेला देखने के लिए। तरस दिहल गई का तरस के लाइन बा मास्टर बढ़ के दा। वाह वाह, कौनो मेहरारू अपना मरद से कह दिया सैया हो सैया जी, ए राजा जी, सैया गैला हो कमाए लुधियाना, रोग ई पुराना, गहना गुड़िया रुपया पैसा, गहना गुड़िया रुपया पैसा बांट ले ले बाहो देवरा, बखरा में बाया गाल का ले ले बाहो देवरा।
जो भाई गए होंगे जालियान वाला बाग में देखे होंगे स्वर्ण मंदिर में, स्वर्ण मंदिर के बगल में जालियान वाला बाग है और जालियान वाला बाग में आज भी 13 अप्रैल 1919 को जो डायर गोली चलवाया था हमारे देश के क्रांतिकारी नौजवानों के ऊपर आज भी निशानदेह है, आज भी निशान है। वही घुमा रहा है मनिंदर सिंह अपने पत्नी मंजू कौर को और दिखा रहा है, कहता है कि देखो हमारा देश का हालत क्या था जिस समय हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, अंग्रेज कितना अत्याचार करते थे। का कहता, अरे कहले शांति क्रांति क्रांति ई दीवाना, वो कहले शांति खातिर क्रांति ई दीवाना, सगरो जमाना आवो इन्हीं के आरती उतार ली हजा हो पागी बीरवन के पौआ पखार ली हजा हो पागी के देख के एक क्रांतिकारी नौजवानन के देख के मनिंदर सिंह बताया है कि मंजू दिल में आग लग गया है, आज मन का करत बा मटिया के टिकावा लीलार पर लगाई के, और यही मन कर रहा है, शरीर में खून में उबाल आ रहा है, मंजू मटिया के टिकावा लीलार पर लगाई के, हाय मन करे आबे अंग्रेजवन के जाई के, अपना मंजू के ओ जालियान वाला बाग का मेला दिखावत हुन घुमावत हुन बीरन के जोन मूर्ति लगल है प्रदर्शनी में उ मूर्ति के दिखा देखा इहे बात कहत हुन, लेकिन कभी जी बड़ा सुंदर तर्ज दिहलन कागित कलाइन बा मास्टर बड़ के दा फिल्म काला पत्थर से लिखल गई का कि हमको भी साथ, अरे हमको भी साथ लिए जाना पिया जब जाना विदेशवा हो, अच्छा तो देखें कहानी यहीं से मोड़ लेती है। मनिंदर सिंह
अपने औरत लड़का के मेला घुमावत 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 रात हो गल, अन्हार हो गल। आ जब रात भइल मेला से बहरे निकलन घरे आवे खातिर रोड पर साधन खोजत हुन, ओ समय के बात दिहल गई। का बात दिहल गई? नहीं रतिया में सूझे, रोड पर मेहरारू लड़का के लेके खड़ा हूँ। नहीं रतिया में सूझे डहरिया या नरिया में खोजे सवरिया हो, खड़ा भइल भइल 9:30 बजे लगल रात। ये कहू सवारी ना लौकत बा, तब तक वो बीच रोड पर अचानक की घटना घटल बा। भयल का बा? अरे तब ले आइल ये कने तखद धरिया, एक नेता खादी का वस्त्र धारण किए हुए सफेद अपनी गाड़ी में बैठा है। देखा है सुनसान जगह पर एक आदमी अपनी औरत को लेकर और बच्चा को लेकर खड़ा है और साधन का इंतजार कर रहा है। नजदीक आकर के गाड़ी लगाया है, आदमी के ऊपर नजर डाला है, देखा है, सोच गया कि लगता है ये फौजी कोई जवान है। और जब उसकी पत्नी पर नजर डाला, बड़ी खूबसूरत थी, प्रमाण मिलता है कि मंजू कौर बाबू एक बच्चे की मां हो चुकी थी, लेकिन देखने में नई नवेली लग रही थी। कहा कि कहां जाना है दोस्त? फौजी नौजवान मनिंदर सिंह बोला कि साहब हमें फलाने जगह पर जाना है और कोई साधन नहीं मिल रहा है, बैसाखी मेला देखने के लिए जालियान वाले बाग में अपने परिवार को लेकर के मैं आया था। कहा कि आओ आओ गाड़ी में बैठ जाओ। मनिंदर सिंह बड़ा खुश हुआ, अपने बीवी और बच्चा को लेकर के गाड़ी में बैठा। गाड़ी में देखता है कि उसका शैडो है, उसके बड़ी गार्ड है और गाड़ी आगे बढ़ती है। नतीजा निकला क्या बाबूजी? बड़ा पुरान बाप दादा वाली तरज लगवले हुए कभी जी का, लेकिन आज कुली आज भी एक कुल गीतन में ओ जितना नया गीत निकलल बा, नया गीत से अधिक मजा बा। कहल जाला कि पुराने चाउर का पंथ पड़ेला,
पुरान घर में चाउर, पुरान घर में उखी का रस जेके सिरका बनावल जाला, पुरान मेहरारू। अगर पुरान मेहरारू ना रहसन त नौकी तो उठला लिए पे बेच के फुर हो जियसन। लेकिन तर्ज बा का तर्ज कलाइन बा है जमनिया से गड़िया छूटलिए राजा। बाबू जंगली रास्ता है, जंगल के बीचों बीच जाता है, उस नेता का ईमान बदल गया। वो नेता फौजी की औरत मंजू कौर को देखा है, ईमान बदल गया। और उसी गाड़ी में आज फौजी मनिंदर सिंह के सामने उसकी बीबी मंजू कौर को क्या करने लगा, इमानवा पर फिरल पानी ये बाबू। कई खांची कीरा करे जवा पर काटे, अलागल बाजी बिया से दहिया के चाटे। कहे तोहा के बनाई बुक हमारा इमानवा पर फिरल पानी ये बाबू। नेता बाबू पहले से ही दारू के नशा में चूर था। मंजू कौर के देखा, ईमान बदल गई और हरकत करने लगा। अपनी हरकत से बाज नहीं आया, मंजू के शरीर को छेड़छाड़ करने लगा। गौर करेंगे कोई भी इंसान होगा, हम हो आप हो या कोई भी इंसान दुनिया के हो, पति के सामने पत्नी की कोई अगर छेड़खानी करेगा तो पति अगर असली पति होगा तो कैसे बर्दाश्त करेगा बाबू। वो भी वो तो फौजी जवान था मनिंदर सिंह। तब बोला है क्या, अरे डांटी के बोलल मनिंदर सिंह बतिया। इमानवा पर फिरल पानी ये बाबू।
मनिंदर सिंह बर्दाश्त नहीं किया बाबू, डांट करके बोला कि अरे साला नेता, शरीर पर खादी धारण किए हो, मैं इस खादी का इज्जत कर रहा हूं, लेकिन तुम तो खादी को भी नाश दिया। इतना जब बात कहा, गुस्से में आ करके वो नेता अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि साले को गाड़ी से बाहर फेंक दो। गेट खोल करके उसके बॉडीगार्ड जो थे, दो तीन बॉडीगार्ड गाड़ी से निकाल करके जबरदस्ती बाहर, गाड़ी के बाहर फेंक दिए रोड पर, और गाड़ी लेकर के भाग गया वो नेता। लेकिन हवस की आंधी तेज हुई, ध्यान देंगे, हवस की आंधी तेज हुई, तब लाज शर्म सब छोड़ दिया, राजनीति का नया दीवाना गांधी का सपना तोड़ दिया, घुमा के गाड़ी झाड़ी में, घुमा के गाड़ी झाड़ी में वह गुंडों को सावधान किया, अरे दुष्ट दरिंदा नीच हरामी नारी का अपमान किया, जंगल के बीचों बीच झाड़ी में ले जाता है गाड़ी से उस औरत को, मंजू कौर को जबरन खींचता है, उसके बेटे को उसके गोद से छीन लिया और बॉडीगार्डों को दे दिया, और जो नहीं करना चाहिए उस औरत के साथ, मंजू कौर के साथ, फौजी की औरत मंजू कौर के साथ बाबू ओ नेता गद्दार किया। तन पर से साड़ी को उतरवाया, ब्लाउज को उतार दिया, जब साये की डोरी खोलने लगा, ओ अबला जात रो रो करके आंखों में आंसू लेकर के कहती है, क्या कहती है बाबू, कवि जी भाव दिहलन हाँ, कि रोवेली गुजरिया करे हाँ, अब रोवेली गुजरिया करे लागल दूर गतिया राम, अनंगी कई के अबाला के लूटेला इजतिया राम, इज्जत को लूट लिया उस झाड़ी के बीचों बीच, और इज्जत लूट करके उसके दो बरस के मासूम बेटा को उसको गोद में रख करके अपने बॉडीगार्डों को लिया और चल दिया उसी जंगल में छोड़कर। रात की वक्त है, जंगल झाड़ी में बेचारी भटक रही है अर्धनगन में, अपने मासूम दो बरस के बेटा को लेकर के, और रोती है, कहती है कि मालिक ये आपने क्या किया, और अब मैं कौन सी मुंह लेकर के अपने पति के सामने जाऊंगी, कौन सा मुंह लेकर के मैं अपने घर जाऊंगी, यह मन में सोचत पे का जिंदगी के थातिया में दगिया लगाई हो, कवन मुँह लेके हम घरवा पर जाई हो, हाय हो विधाता दे दो हमके मऊ अतिया
आखिर उसी रात को किसी तरह से बाबू जंगल पार करती है। अर्धनग्न की अवस्था में कपड़ा फटे हुए हैं, शरीर पर आधे वस्त्र हैं, आधे फट चुके हैं, अपने मासूम बेटा का मुंह देख रही है। सोचती है कि अगर मैं आत्महत्या कर लेती हूं तो मेरा बेटा तड़प तड़प करके मर जाएगा। माँ तो माँ होती है बाबू, इस दुनिया में माँ का कर्जा कोई इंसान नहीं चुका पाया। श्रवण कुमार अपने बाप बाप का कर्जा चुकाना चाहता था लेकिन वो भी नहीं चुका पाया। हम आप तो इंसान हैं, माँ बाप का कर्जा दुनिया में कोई चुकाया नहीं है और न कोई चुकाएगा। कवि जी भाव दिए हैं बड़के दा मास्टर। अरे नेवरिया झंखे नाविक के बिना, नेवरिया झंखे नाविक के बिना, हाँ। अरे नेवरिया झंखे नाविक के बिना, आइल ज्वार सिंधु में जाई कवनी ओरिया। एक लाइन तर्ज दिहल गल, आखिर औरत कहले क्या बे बाबू। तरज बका तरज का लाइन बटे बोली मोखी रावा रे गंगा के तिरवा जिरवा नन तिरे खिरवा या गोरे दिनवा रात। सोचे लगल कि हम जाई ते जाई कहां, अंधेरी रात है बाबू, जंगली रास्ता है। कहल जला कि धोबी के कुकुर न घर के न घाट के। आज वो औरत की ही दशा हो गई, सीधे वो याले अमृतसर स्टेशन पर आई हुए। आई अपने छोट बच्चा दो बरिस के लड़का के लेकर सिंटू के आ कैलाश का अमृतसर स्टेशन पर आके अमृतसर से ट्रेन दिल्ली सहरिया गोरिया अली न हो कर लगली मन में विचार। बाबूजी अमृतसर आई जो ही स्टेशन पर दिल्ली के लिए गाड़ी लगी थी। आगे पीछे कुछ न सोचती है न समझती है, अपने दो बरस के मासूम बच्चा को लेकर के उस दिल्ली वाली ट्रेन में बैठ जाती है। चली आई दिल्ली, आगे नाथ न पीछे पगहा, आगे पीछे कोई है नहीं, करे तो क्या करे। साथ में छोटा सा दो बरस का मासूम बेटा है। दिल्ली शहर में भीख मांगने लगी बाबू। भीख मांगते मांगते एक सेठ जी के दरवाजे पर आती है जिनका साधु सेठ नाम था। और साधु सेठ जी के दरवाजे पर आती है, साधु सेठ देखा
अकेली औरत, मासूम 2 बरस का बच्चा, बड़ी मायूस है, रो रही है। दिल में दया आ गई सेठ जी को। नजदीक बुलाया, कहा कि बेटी क्या बात है, कहां की रहने वाली हो, क्यों रोती हो, क्यों भीख मांगती हो, तुम क्या कोई तेरा पति नहीं है? शुरू से लेकर के अंत तक रोती बिलकती ओ मंजू कौर अपनी कहानी को बताती है। बाबू सारी कहानी बताती है कि हम लोग बैसाखी मेला घूमने आए थे, मेरा फौजी पति है साथ में, हम तीनों, मेरा पति, हम और ये बच्चा लेकर आए थे, लेकिन ऐसी ऐसी रास्ते में घटना घटी, अवाक हो गया वो सेठ। कहा कि बेटी रो मत, मालिक को जो मंजूर होता है वही होता है, और उनके मर्जी के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं होता। अगर मेरे ऊपर विश्वास हो तो इस दुनिया में मेरा भी कोई नहीं है, धन दौलत की कमी नहीं है बेटी, ये सारी चीज जो देख रही है, ये प्रॉपर्टी, ये महल, ये अटारी, ये दुकान, ये सब मेरी है, सब मेरा ही है, लेकिन इसको हवेकने वाला कोई नहीं है, तो न इस दुनिया में मेरा कोई बेटा बेटी है, न मेरी पत्नी थी, वो भी स्वर्गवासी हो गई, तो एक काम करके तुझे मैं बेटी मानता हूं, और बेटी बन करके हमारे घर में रह, हमारी भी सेवा करना, अपने मासूम बच्चा को अच्छा से तालीम देना, पढ़ाना लिखाना, भगवान किसी चीज की कमी नहीं दिए हैं। जब तुम्हें मैं बेटी कह दिया तो तू मेरी धर्म की बेटी हुई और मैं तेरा धर्म का बाप हुआ। विश्वास कर लेती है वो मंजू कौर और अपने 2 बरस के मासूम बच्चा सिंटू को लेकर के उस सेठ के घर में रहने लगी। बाप बेटी का धर्म का रिश्ता है, बाप जैसा, ये भी जानती थी उस साधु सेठ को, और साधु सेठ भी मंजू कौर को अपने बेटी से थोड़ा भी कम इज्जत नहीं करता। समय बीते लगल, ए तरह धीरे 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 17 बरस गुजर गई। आज वो लड़का कितना दिन के हो गई, 19 बरिस के, 2 बरिस के लेके आई ले, 17 बरस गुजरल बा। लड़का जवानी के दहलीज पर आ गए, वो लड़का का नाम सेठ जी सिंटू से हटा के बड़ा प्यारा नाम अंजनी कुमार रख दिया। अंजनी कुमार, अंजनी अंजनी अंजनी, सब अगल बगल आस पड़ोस के लोग कहे, आ सब सेठ जी के दुहाई दे। अंजनी बड़ी होनहार लड़का बा, कहल जला कि होनहार बलवान के होत चिकने, आज बाप ही जैसा वो लड़का नौजवानी के दहलीज पर आया है, 6 फुट के लड़का, पंजाबी का लड़का, आज बाबू पढ़ने में भी उतना ही तेज है, शरीर से भी हट्टा कट्टा है, नौजवानी के दहलीज पर आया है, एक दिन कॉलेज से लौट करके घर पर आया, देखता है कि मेरी माँ की आंखों में आंसू है, दरवाजे पर बैठकर रो रही है, शायद उस दिन मंजू कौर को अपना पति याद आ रहा था, उसी दिन उन दोनों की शादी हुई थी, सालगिरह थी शादी की, और पति याद आ रहा है, सोचती है, सोच रही थी कि मेरा पति कहाँ है, शायद जिंदा है भी कि नहीं, अगर जिंदा भी होगा तो मैं अपने पति के सामने कौन सी मुंह लेकर जाऊंगी, इस दुनिया में मेरी इज्जत तो है नहीं, मेरी इज्जत तो पापी लूट लिया, यही सोच करके सब रो रही थी, बीती हुई बात सोच सोच करके रो रही थी, तब तक को नौजवान बेटा अंजनी कुमार आया है, माँ के आंखों में आंसू देखा है, बोला कि माँ आज तक मैंने कभी तेरे आंखों में आंसू नहीं देखा, और आस पड़ोस के लोग कभी काल हमसे कहते भी हैं कि अंजनी तुम यहां का नहीं हो, तुम सेठ साधु सेठ का बेटा नहीं हो, तुम किसी और के बेटा हो, साधु सेठ ने तुमको पोष पाल करके जवान किया, आज इस मंजिल तक पहुंचाया है, तो क्या मां ये सत्य है, तू क्यों रो रही है, पहले ये बता। आज अंजनी पूछे लगा, कैसे पूछत मां,
तरज बा का तरज के लाइन बा मास्टर गीत से सुंदर हमार गाना का भाव दिहल गेल कि पूछे लागल अंजनी पूछे लागल अंजनी कुमार हो मायारिया पूछे लागल अंजनी कुमार हो मायारिया लड़का जिद कर दिया मंजू कौर बताना नहीं चाहती थी बीती हुई बात को बेटा से लेकिन जिद कर दिया मजबूरी में आज मंजू कौर सारी बात शुरू से लेके अंत तक कहानी बेटा को बताती है करती है क्या बीतल सगरी बात माई कही के सुनावाली नावतल वीर सिंह नेता के बतावाली सारी बात बताती है कहती है कि बेटा आज भी मुझे खूब अच्छी तरह से याद है गाड़ी में वो अपना नाम दलवीर सिंह बताया था वो जो नेता था दलवीर सिंह बताया था बाबू नौजवानी के दहलीज पर था ये अंजनी कुमार शरीर में माँ की बात को सुन करके शरीर में आग लग गई कहा कि माँ दूध की कसम है अगर मैं तेरा असली दूध पिया हूं मैं तेरा असली बेटा हूं तो उस गद्दार को छोड़ूंगा नहीं तलाश करने लगा लगा खोजने तलाश करने लगा आखिर नतीजा निकला क्या बाबू प्रतिशोध की लगी जिगर में आगी बन के बैरागी पता लगावे घूम घूम के भागी बन के बैरागी पता लगावत 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 पता लगाई लिहलस आज ओ दलवीर सिंह सांसद बन चुका था बाबू चुनाव जीत करके सांसद बन चुका था सरकारी बॉडीगार्ड मिल गए थे अपना प्राइवेट भी बॉडीगार्ड रखा था नतीजा निकला क्या कि सांसद बना दलवीर सिंह एक दिन दिया दिखाई चाय पीते दुकान के अंदर गया अचानक पाई अरे क्रोध में आंसू पी गया अनुरागी बन के बैरागी ए भैया क्रोध में आंसू पी गया अनुरागी बन के बैरागी दिया है गोली सीने में वो धागी बन के बैरागी
आखिरकार बाबूजी पकड़ लिया एक दिन। सुबह का बेला था, हथियार लेकर घूम रहा था कि साला कहीं भी मिल जाएगा, दलबीर सिंह सांसद मारूंगा जरूर। अचानक सवेरे का टाइम बाद दो चार ठे लड़िका करे शंकर रहे वाला संगी साथी भी रहलन, आई अपन नौजवान चाय के दुकान पर चाय पियत बा। तब तक दलबीर सिंह की गाड़ी रुकी है, साथ में बॉडीगार्ड उतरते हैं। दलबीर सिंह उतरा है और चाय पीने लगा, उतर करके देख लिया, लोगों से पूछा कि यही दलबीर सिंह नेताजी हैं, सांसद महोदय हैं। लोगों ने बताया कि यही सांसद है। आखिर बाबू उबाल में आ गया, निकाल लिया हथियार, छह राउंड की रिवाल्वर निकाल कर कहता है कि अरे साला गद्दार खादी का वस्त्र पहन करके खादी को नाश रहे हो, याद कर। और यही कह करके ठाई 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 तीन गोली चलौलक, जितने बॉडीगार्ड थे अपने पोजीशन ले लिए, जितने सरकारी सरकारी बॉडीगार्ड दो थे और दो बॉडीगार्ड इसके प्राइवेट थे दलबीर सिंह नेता के, वो भी दोनों चारों बॉडीगार्ड पोजीशन ले लिए। चाहा कि मैं निकल जाऊं, चाहा कि मैं भाग जाऊं, मार करके गोली, लेकिन अंजाम निकला क्या बाबू, अल्लाह का लाइन बाका मास्टर। कहल गई कि भरी के फूटी जाला एक दिन, भरी के फूटी जाला एक दिन, पाप के घरी लवाए भैया, चाहे वो के राखे केहू के तनो हो जोगाया, मचल हाहाकार भागल उहां से ललनवा बाबू, तबले दिहल से डोर अब गोलिया रे चलाया, माई माई कही के गिरल धरती पर गदे लवा दादा, पूछे आके सैडो देबो भेदवा हो बताया, बतिया बता सगरी तेजलस पर नवा दादा, सोचला मनिंदर कौनो सूझे ना पाया। तनी बात समझ ले, यही कहानी मोड़ लेती है। लड़का के ऊपर जो प्राइवेट एक बॉडीगार्ड था उसका गोली चलाता है कि मेरे साहब पर साला गोली मार दिया, साहब को गोली मार दिया, भाग रहा था पोजीशन लेकर के प्राइवेट बॉडीगार्ड गोली चलाता है। वो गोली चलाने वाला बॉडीगार्ड जो उस सांसद का बॉडीगार्ड प्राइवेट था वो कोई और नहीं बाबू बल्कि उसी का बाप था, मनिंदर सिंह। मनिंदर सिंह जब रोड पर उसको फेंकवा दिया, उस समय याद करें पिछली बात, जब बैसाखी मेला से अपने पत्नी को और बच्चा को लेकर आ रहा था, तो मनिंदर सिंह को जब बॉडीगार्डों से फेंकवा दिया तो मनिंदर सिंह सोच गया कि इस दुनिया में अब मेरा कौन है, कोई नहीं है, मैं नौकरी क्या करूंगा, किसके लिए करूंगा, न बीबी है न बच्चा है, नौकरी से रिजाइन मारता है और आ करके गांव में रहने लगा, दर दर भटकने लगा, पेंशन भी नहीं आया था कि पेंशन से गुजारा चलेगा। अंत में एक बात उसे सूझी कि क्यों न मैं किसी नेता का संग पकड़ूं, और जब मैं किसी नेता का संग पकड़ूंगा तो शायद हो सकता है कि उस साला कमीना कुत्ते का औलाद मिल जाए कहीं किसी नेता के घर पर, तो मैं अपनी बदला पूरा कर लूंगा, मारूंगा जरूर। यही सोच करके भटकते भटकते उसी नेता के पास चला गया, क्योंकि अंधेरी रात थी, साधन खोज रहा था, तो वही सांसद
दलबीर सिंह जो इसके पत्नी के साथ बलात्कार किया, रात के वक्त में, अंधेरी रात में वो पहचान नहीं पाया था, लेकिन यही नहीं पहचानने का फायदा हुआ। रात के वक्त में पहचान नहीं पाया और जा करके दलबीर सिंह के साथ जब वो सांसद बन गया तो रहने लगा। वो नहीं जानता था कि यही दलबीर सिंह मेरी पत्नी की आबरू लूटा है, उसी का प्राइवेट बॉडीगार्ड बनकर के रहने लगा। और वही पोजीशन लेकर के जब दलबीर सिंह पर अंजनी कुमार गोली चलाता है तो ये पोजीशन लेकर के प्राइवेट दलबीर सिंह का बॉडीगार्ड मनिंदर सिंह उस बच्चा अंजनी कुमार के ऊपर गोली चला दिया। माई माई, क्योंकि बाप को तो उसे याद ही नहीं आती थी, कभी याद नहीं आया ना, बचपन से ही बाप को देखा था, मात्र उस समय उम्र 2 बरस की थी, याद नहीं आता था बाप की सूरत। अंजनी कुमार को माँ की ही सूरत याद आती थी, माई माई कह के धरती पर आज 19 बरस के लड़का गोली लागल बा, गिरल बा, दौड़ल बा, मनिंदर सिंह दौड़ल बा, जाके वो लड़का के लगे बैठ के पूछत बा, क्या है नौजवान, हमारे साहब के ऊपर तूने गोली क्यों मारा? रोते रोते आंख खोला है, खून की धार बह रही है, 3-3 गोलियां लग चुकी है, लेकिन होश में था, कहा कि बाबू मैंने कोई गलत नहीं किया, लेकिन एक काम कर दो कि मेरी अंतिम वक्त है, अब मैं बचूंगा नहीं, एक बार मेरी माँ से मुलाकात करा दो, इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं है बाबू, और जो मैंने किया है सही किया है, मैं अपने किए हुए करनी पर आज खुश हूं कि मैं अपनी माँ और पिता का बदला ले लिया। मनिंदर सिंह सोचने लगा कि ये लड़का क्या कह रहा है, कहा कि ये लड़का है नौजवान, कैसी बात कर रहा है कि तू अपनी माँ और अपने पिता का बदला ले लिया इस नेता से, क्या हुआ था तेरी माँ और तेरे पिता को? सारी बात बताया है। जब ये बताया कि मैं 2 बरस का मात्र था, मेरे मम्मी और मेरे पापा मेला से घूमकर आ रहे थे, उस समय ये गद्दार मेरे पिता को, फौजी पिता को अपनी गाड़ी से फेंकवा दिया और मेरी माँ को, गंगा जैसी मेरी पवित्र माँ को इसने इज्जत लूट लिया। आज उसी का मैं बेटा हूं, मेरे बाप का नाम मनिंदर सिंह, माँ का नाम मंजू कौर और मेरा नाम अंजनी कुमार है। अवाक हो गया, ओ मनिंदर सिंह बरबस उस बेटा को अपने गोद में उठा लिया, कहा कि बेटा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, तू कोई गैर नहीं है, तू मेरा ही बेटा है और वही मैं तेरा बाप मनिंदर सिंह हूं, मैं तो इसे पहचान न सका कि यही वो गद्दार है जो तेरी मां की इज्जत को लूटा है, नहीं तो बहुत पहले ही हम इसे गोली मार दिए होते, लेकिन मैं तो उस नेता का इंतजार कर रहा था, रात का वक्त था, मैं पहचान नहीं पाया था कि यही है, लेकिन यही हाथ जोड़कर कहता है कि पिताजी जो आप किए वो भी ठीक किए और जो मैं किया वो भी अच्छा किया, लेकिन अंतिम वक्त पिता का तो दर्शन हो गया, लेकिन एक बार पुनः मेरी माँ से मिलवा दीजिए, साधु सेठ के यहाँ रहती है मेरी माँ। अरे बाप रे बाप, अपने बेटे की लगी हुई गोली बेटा को उठाया है और लेकर के चला है साधु सेठ के यहाँ अपने पत्नी के पास, मंजू कौर के पास बताने के लिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रास्ते में ही अपने पिता के गोद में वो अंजनी कुमार दम को तोड़ दिया, लाश लेकर के पहुंचा है वो मनिंदर सिंह
साधु सेठ के दरवाजे पर, और जब मंजू कौर को पता चला है, एक बार देखती है अपने पति को और अपने बेटे को खून से लथपथ देखती है लाश के रूप में, कौन सी मां पागल नहीं बन जाएगी। खोया हुआ पति आज सामने खड़ा है बेटे की लाश को लेकर के, ओ मां आ करके धरती पर गिर जाती है और कहती है कि आपने ये क्या किया। लेकिन हुआ क्या बाबूजी? अपने ही हाथों मनिंदर सिंह अपने बेटा का खून कर दिया, लेकिन अब क्या पछतायो जब चिड़िया चुन गई खेत। अब तो जो होना था हो गया था, बेटे का अंतिम दाह संस्कार किया है। आज भी मनिंदर सिंह जिंदा है, मंजू कौर जिंदा है, उसी सेठ के यहां दोनों पति पत्नी रहते हैं। लेकिन हमारे कवि जी का कहना बा, तेजन कवि का कहना बा, माँ बहन की इज्जत को जो समझे नहीं कमीना, मार दो गोली साले को फाड़ दो उसका सीना, जिंदा बाचे ना सैतान हमारे गाना का अंतिम लाइन रहे। कवि जी परिचय बताते हुए लिखते हैं क्या, जय जखाड़ गुरु स्वामी जी के ओम प्रकाश है फूल, निसार मितवाय अनुज लाल अब मत करना तू भूल हो, के बिना तेजन ओम प्रकाश अब बरसे लेना जरिया, नेवरिया झंखे नाविक।